Let us start with our two motors. We are going to cover two motors. First is single phase induction motor and second is synchronous motor. So let us start with single phase induction motor. What is a motor? Motor kya hoti hai? Jo convert karti hai electrical energy into mechanical energy in the form of rotational kinetic energy. The basic principle of motor, what is the basic principle of any motor? That whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences force. Now this single phase induction motor, it works on single phase AC. जो single phase induction motor है उसको जो supply दी जाती है वो single phase AC, जो हमने पढ़ा chapter पढ़ा है ना single phase AC, ये हमारी source है. और like any other motor, motor के दो main parts होते हैं, एक होता है stator होता है और एक क्या होता है rotor होता है. Stator क्या होता है? जो stationary part है, जो घूमता नहीं है वो stator होता है और जो घूमता है वो rotor होता है. तो मैंने जो है एक आज की जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये वैसी मोटर है जो सबसे ज्यादा यूज होती है डोमेस्टिक घरों में, सबसे ज्यादा यूज होती है और कुछ हद तक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है. इट वर्क्स ऑन द सिंगल फेज एसी. सो हियर वी आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. यू कैन सी दिस इज द स्टेटर पार्ट विच इज नॉट रोटेटिंग and this is the rotor which rotates, and between the stator and rotor I have marked area. ये stator जो है इसके अंदर slots बने हुए हैं और इन slots के अंदर winding होती है, conductors को place किया जाता है और इन conductors को हम supply देते हैं phase and other neutral. मैंने simplicity बनाने के लिए मैंने ये winding बना दी है और ये हमने single phase AC दे दी और ये हमारा रोटर है और बीच में एयर गैप. अब नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव सिंगल फेज एसी टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द, एक वाइंडिंग है स्टेटर के अंदर, क्यों दे रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड बने. वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टेटर में बनेगा, एयर गैप को क्रॉस करते हुए ये रोटर को कट करेगा. रोटर के अंदर कंडक्टर्स है और ये क्लोज पाथ बना होता है इनका, आपस में जुड़े होते हैं. अब देखते हैं क्या होता है जब हम सिंगल फेज एसी देते हैं वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आप यू डोंट हैव टू सी द मैथमेटिकल प्रूफ, जब हम सिंगल फेज एसी देते हैं एक वाइंडिंग को, एक ऐसा घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी स्पीड होती है, जिसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, एंड स्पीड इज गिवन बाय 120 एफ बाई पी. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी. व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स. बस सिर्फ याद रखना है एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स. तो इस फ्रीक्वेंसी से, इस स्पीड से एक घूमता हुआ फील्ड प्रोड्यूस होगा इस स्टेटर के अंदर. इस स्टेटर के अंदर एक जस्ट एक इमेजिन करो कि एक, जैसे कि हम मैकेनिकली हम एक मैग्नेट को हाथ से घुमा रहे हैं, किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से. अब ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ से एयर गैप को क्रॉस करता है और इस रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है. अब ये जो ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, जब रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा, रोटर के कंडक्टर्स में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. ईएमएफ प्रोड्यूस होगी क्योंकि रोटर के कंडक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें करंट प्रोड्यूस होगा. अब वही करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है. करंट कैरिंग कंडक्टर्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और रोटर घूमने लग रहा है, और रोटर जो है घूमने लग जाता है. नॉर्मली मोटर में क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं, पंखा ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया, पंखा जो है घूमने लग जाता है. तो हमने क्या किया, हमने एक वाइंडिंग है, वाइंडिंग को स्टेटर के स्लॉट्स के अंदर डाल दिया. ये रोटर है जो बेरिंग्स के ऊपर टिका हुआ है, इनमें रोटर के ऊपर कंडक्टर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोज्ड पाथ बना हुआ है. जैसे हम सप्लाई देते हैं यह एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर से एयर गैप को क्रॉस करता हुआ, एयर गैप को क्रॉस करता हुआ रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है। घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी कि जिसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जाती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मीन्स मैग्नीट्यूड पहले रिजल्टेंट यहाँ एक्ट कर रहा था, फिर इधर कर रहा, फिर इधर कर रहा, फिर इधर कर रहा है। जैसे घड़ी है, घड़ी की सुई घूमती है, इसी तरह घड़ी की स्पीड एक मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, जैसे सेकंड वाली। इसमें जो स्पीड है फील्ड की, व्हिच इज सिंक्रोनस स्पीड गिवन बाय 120 एफ बाय पी। अब ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रोटर को कट करता है, रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और क्योंकि रोटर के कंडक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं उनमें करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर फोर्स लगता है और रोटर जो है नॉर्मली क्या होता है, घूमता है। लेकिन अभी मैंने क्या दिखाया आपको कि एक ही वाइंडिंग दिखाई है। यदि एक ही वाइंडिंग को हम सिंगल फेज एसी देंगे तो हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि रोटर जो है वो घूम नहीं रहा, रोटर जो है घूम नहीं रहा, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि यहाँ पर हमने सिंगल फेज एसी थी, एक वाइंडिंग लगा दी इसमें या रोटर जैसे हमने दिया, तो रोटर घूमने की बजाय सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन यदि हम हाथ से रोटर को धक्का दे दें किसी भी डायरेक्शन में, रोटर को मैनुअली रोटेट कर दें किसी भी डायरेक्शन में, तो वो मोटर उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाती है। बिगेस्ट एग्जांपल, सिंपलेस्ट, द सीलिंग फैन, ये जो पंखा घूम रहा है हमारे रूम में, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ये कौन सी मोटर है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपने कई बार देखा होगा घर में कहीं भी जगह पंखा खराब हुआ है, पंखा खराब हुआ है लेकिन हमने हाथ से धक्का दिया पंखे को, पंखा घूमने लग गया, तब उसके नीचे पे जिधर धक्का देंगे पंखा उधर ही घूमने लग जाएगा, पंखा जो है उसी दिशा में घूमने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक ही वाइंडिंग देखते हैं सिंगल फेज मोटर को, तो मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, मोटर खुद ब खुद नहीं घूमेगी। कि सप्लाई ऑन की, मोटर खुद ब खुद नहीं घूमेगी, हमें मैनुअली जो है मोटर को, रोटर को या तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज। एक बार जिस दिशा में घुमा दिया फिर वो उसी दिशा में घूमता जाएगा। अब इसका मेन कारण क्या है, जस्ट आपको एक जनरल बताते हैं कि जब हम सिंगल फेज एसी देते हैं एक वाइंडिंग को, सिंगल फेज एसी देते हैं इस वाइंडिंग को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, उसको यदि हम बारीकी से देखें तो दो मैग्नेटिक फील्ड बने हुए हैं। आधा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में वो रोटर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें से आधा मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ द कंपोनेंट इज ट्राइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हाफ द कंपोनेंट इज ट्राइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या है, एक फील्ड जो है, एक फील्ड इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और एक क्या चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों फील्ड बराबर ताकत के हैं, बराबर जोर है, एक क्लॉकवाइज की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में कोशिश कर रहा है। नेट चल क्या होगा, रोटर घूमेगा नहीं, सिर्फ ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब हमने क्या करना है कि हमने मोटर को बनाना है सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है। ऐसा नहीं होगी कि हमने सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है। मैं जस्ट एक सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ, बनाया मैंने बोर्ड पर। ये हमारे, मान लो ये जो रेड कलर की लाइन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के फील्ड का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो है ये ग्रीन कलर वाला, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये एक्स एक्सिस पे स्पीड है और वाई एक्सिस पे क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, पुलिंग पावर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, न्यूटन मीटर। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं और डिस्टेंस के यूनिट मीटर। टॉर्क मीन्स पुलिंग पावर। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये रोटर की दिशा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब स्टार्ट, अभी रोटर ने घूमना नहीं शुरू किया, जब रोटर ने अभी घूमना नहीं शुरू किया तो स्टार्टिंग में एनआरई जीरो, जितनी पॉजिटिव टॉर्क है उतनी ही नेगेटिव टॉर्क है, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या है, जीरो। रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो। लेकिन यदि हम किसी रोटर को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारी जो है ये रिजल्टेंट टॉर्क आ गई। ये कौन सी आ गई, रिजल्टेंट
यदि हमने रोटर को इधर को घुमा दिया तो रिजल्टेंट पॉजिटिव है, और यदि दूसरी दिशा में घुमा दिया तो रिजल्टेंट क्या है, नेगेटिव है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम जो है एक तरीका निकालते हैं कि कैसे मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाए, कैसे मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाए। हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग और अटैच कर देते हैं और एक सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं, सी फैरड का कैपेसिटर लगाते हैं, सी फैरड का। इसको लगाने से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो वाइंडिंग है इसको हम मेन वाइंडिंग कहते हैं, इसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग, और इसको बोलते हैं स्टार्टिंग। ये देखा होगा पंखों में कैपेसिटर लगा होता है, पंखों में कैपेसिटर लगा होता है एक वाइंडिंग के सीरीज में, जो कैपेसिटर लगा होता है वो इसलिए लगाया जाता है, एक वाइंडिंग अलग से और ऐड की जाती है, सो दैट द मोटर बिकम्स सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया मोटर खुद ब खुद अपने आप घूमने लग जाए। अब ये कैपेसिटर लगा दिया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, मान लो यहाँ स्विच ऑन है, ये कैपेसिटर लगाया है, ये स्विच है मेन, ये स्विच है, जैसे क्लोज किया मोटर जो है यहाँ तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज, हमारा पर्पज हल हो गया। अब लेकिन हमने ये देखा है कि जब एक दिशा में घूमने लग गए, एक वाइंडिंग से भी यदि मोटर एक दिशा में घूम, हाथ से हमने घुमा दिया, अब एक बार तो मोटर घूमने लग गए, अब तो रिजल्टेंट टॉर्क या तो पॉजिटिव है या रिजल्टेंट टॉर्क नेगेटिव है, तो हमें इस वाइंडिंग की अब जरूरत नहीं है, हमें इस वाइंडिंग की अब जरूरत नहीं है, उसको अब सर्किट में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी एस मीन्स सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी एस मीन। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आप समझते हैं, जब भी कोई चीज रोटेट करती है जैसे फोर्स से, वो इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मोटर की शाफ्ट के ऊपर वेट्स लगाए होते हैं, जैसे मोटर स्पीड से पकड़ घूमती है, जहां 60-70% उसकी अपनी स्पीड पकड़ी उसने, तो वो जो वेट है वो बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे बाहर की तरफ जाते हैं वो एक स्विच को खोल देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं, अब मोटर एक ही वाइंडिंग से चलती रहती है, एक ही मोटर एक ही वाइंडिंग से चलती रहती है, और जैसे हम ऑफ करते हैं फिर वो स्पीड कम होती है, ये स्विच फिर क्लोज हो जाता है, ये स्विच क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फिर मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर तेजी से घूमती है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, तो रनिंग वाइंडिंग जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सर्किट से बाहर हो जाती है। ये जो बड़े साइज की मोटर होती है सिंगल फेज, उसमें जो है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, उस प्रकार की मोटरें जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें जिस सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और लेकिन यदि छोटे साइज की मोटर है तो हम स्विच नहीं लगाते, दोनों वाइंडिंग्स परमानेंटली लगी रहती है सर्किट में, उस टाइप की मोटर को बोलते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। यदि तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है तो उसको कहते हैं कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एंड यदि कैपेसिटर परमानेंटली जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे इट इज कैपेसिटर रन मोटर। कई बार जो बड़ी मोटर्स होती हैं, और भी बड़ी मोटर होती है सिंगल फेज की, उसमें दो कैपेसिटर जुड़े होते हैं, दो कैपेसिटर जुड़े होते हैं, C1 और
सी टू, इसमें स्विच लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। तो सी वन के अंदर कोई भी स्विच नहीं लगा हुआ और सी टू के साथ स्विच लगा हुआ, तो इसमें दोनों है कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट भी है और कैपेसिटर रन भी है, तो देन मोटर इज कॉल्ड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यदि नहीं लगा हुआ कैपेसिटर रन मोटर, यदि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं एक कैपेसिटर परमानेंटली जुड़ा रहेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ जुड़ा रहेगा, तो उस टाइप की मोटर को कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो नॉर्मली छोटे साइज की मोटर कैपेसिटर रन होती है, थोड़ी सी बड़ी जो है दो बॉस पावर की कैपेसिटर स्टार्ट होती है, और यदि उससे भी बड़ी होगी तो दो कैपेसिटर लगे होंगे, एक कैपेसिटर स्टार्ट एक कैपेसिटर रन। इसको हम कहते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। यूज ऑफ कैपेसिटर इज टू क्रिएट अ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट्स इन द मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।